आजादी के 70 साल बाद भी देश को कुपोषण से मुक्ति नहीं मिली। आजाद देश में अभी बच्चे दम तोड़ रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। सरकार हर साल दावा करती है कि देश को कुपोषण से मुक्ति दिलाएंगे। कुपोषण से मुक्ति के लिए राज्य और केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है, उसके बावजूद भी कुपोषण से आजादी नहीं मिली। झारखंड के राष्ट्रीय पोषक कार्यक्रम के तहत चाईबासा में भी जिला स्तरीय पोषण अभियान की शुरुआत की गई। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में पश्चिमी सिंहभूम जिला को कुपोषण मुक्त जिला बनाने का संकल्प लिया गया। इसके लिए 3 महीने में 1,00,000 बच्चों की स्वास्थ्य जांच कराने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय पोषक कार्यक्रम के तहत जिले के 500 आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन जल्द बनाने की घोषणा की गई। साथ ही सभी गर्भवती महिला और माताओं को विशेष ध्यान रखने के लिए अभियान चलाने का संकल्प लिया गया। हम लोग बहुत जल्दी यानी दिसंबर 18 के पहले एक स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट लेबर रूम संभव का सभी जहां भी एडवांस फैसिलिटी है वहां हम लोग फर्स्ट फेज में 20 सेंटर को स्टेट ऑफ द आर्ट लेबर रूम हम लोग फैसिलिटी देने वाले हैं। अभी सेक्शन हो रहा है, आस पास के 50-60 किलोमीटर में कोई एडवांस फैसिलिटी नहीं था, तो इसीलिए वैसे सभी प्रशासन कुपोषण से मुक्ति के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है, लोगों का प्रोत्साहन भी कर रहा है। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को गोद भराई की रस्म भी पूरी की गई। उपायुक्त ने जिले की चरमराई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका, सहायिका, स्वास्थ्य कर्मी और जिले वासियों से 3 महीने का वक्त मांगा। उपायुक्त ने कहा कि अगले 3 महीने में जिले में 1 साल से 14 साल के करीब 1,00,000 बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। आंगनबाड़ी में जैसे दाल चावल ये सब का तो आ जाता है ना बिल, लेकिन हम लोग सब्जियां वहीं उगाएं और वहीं बच्चों को खिलाएं। कुछ ऐसे फ्रूट बेयरिंग ट्रीज है ना, जैसे मैंगो है, पपाया है, पपीता, आम, ये सब का पेड़ लग जाए, सोजन सुट्टी बहुत ही लाभदायक, तो वैसा पेड़ हम लोग हर आंगनबाड़ी में 6-6 देंगे। और हर आंगनबाड़ी में 6 पेड़ लग जाने के बाद कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को जो भी आप लोग दाल चावल बनाते हैं उसमें एक टुकड़ा भी अगर आप डालते हैं तो आप समझिए बच्चों को उसका उतना प्रतिशत विटामिन मिनरल्स मिलेगा। बच्चों में कुपोषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जिले के 500 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपना भवन बनाने के लिए जल्द फंड मुहैया कराए जाने की बात कही। तो वहीं उप विकास आयुक्त ने कहा कि बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका सबसे ज्यादा है। इसके लिए जिले के सभी CDPO, पर्यवेक्षिका और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को सक्रिय होना होगा। उपायुक्त और उप विकास आयुक्त ने कार्यक्रम के बाद गांव-गांव में पोषण के प्रति जागरूकता के लिए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिना प्रशासन के सहयोग से कुपोषण से मुक्ति मिलना मुश्किल है, ऐसे में सवाल है कि आखिर कब तक कुपोषण से मुक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ चाईबासा से रमेश दास, APN।